हाँ तो भाई लोग, सबसे पहले आप सबको जय श्री राम। एनिमल फिल्म आई, उसके बाद में अभी आलिया भट्ट मैम की एक फिल्म आई जिसका नाम है जिगरा। अब भी आप ऐसा बोल सकते हो कि जो रणबीर कपूर सर हैं और जो अपनी आलिया भट्ट मैम है, इन दोनों ने ऐसा कुछ सोच रखा है, या फिर आलिया भट्ट को भी पता लग गया है कि जब मेरे हस्बैंड ने एक अच्छी फिल्म करी है, इतनी अच्छी फिल्म करी है, तो क्यों ना मैं भी एक ग्रीपिंग सी स्क्रिप्ट चुनूँ और एक अच्छी फिल्म बनाऊँ। तो ग्रीपिंग से मेरा मतलब है जिगरा। जिगरा जो मूवी है वो फाइनली आउट हो चुकी है, उसके बारे में बात करेंगे, जहाँ पर भाई और बहन का जो बाउंडेशन है उसको इतना क्लोजली, स्ट्रिक्टली और एक इम्पैक्टफुली एक जो रिलेशन होता है वैसे दिखाया गया। वहीं जो अपने मनोज सर हैं और जो आलिया भट्ट है, आलिया भट्ट मैम और मनोज सर का जो एक रिलेशन है उसको भी इतना इम्पैक्टफुली दिखाया गया कि आप ना आसानी के साथ इसके साथ जुड़ जाते हो। एक्शन सिक्वेंस एक नंबर के हैं, कमाल के हैं। इस फिल्म को देखने के बाद इतना तो तय है कि आने वाली जो फिल्म है, जिसमें कि मे बी अल्फा नाम है उसका, जिसमें हमको सरवरी बाघ और आलिया भट्ट और लॉर्ड बॉबी देओल जो हैं नेगेटिव करेक्टर में देखेंगे, इस फिल्म के यानी कि जिगरा के एक्शन सिक्वेंसेस देखने के बाद आलिया भट्ट के, मेरे को ऐसा पर्सनली लगता है कि कहीं ना कहीं जो उम्मीदें हैं वो और ज़्यादा बढ़ जाती हैं इस फिल्म को देखने के बाद। उस फिल्म में एक्शन सिक्वेंसेस को लेकर काफ़ी अच्छी फिल्म है, स्टोरी लाइन एकदम कड़क, तोड़ू फोड़ू धांसू। अब उसके भाई को यानी कि आलिया भट्ट के भाई को क्यों पकड़ा है, या फिर पकड़ लिया जाता है, एक जेल में डाल दिया जाता है, उनको लगता है कि वो लीगली इनको छुड़ा लेंगी, लेकिन फिर उसको पता लगता है कि उसके भाई को लीगली छुड़ाना तो पॉसिबल नहीं है। अभी इसकी माँ की साकीना का इनको ना थोड़ा सा करना पड़ेगा, यानी कि जो उंगली है वो टेढ़ी करनी पड़ेगी, कमल का फूल इनको तब जाके निकालना पड़ेगा कीचड़ के अंदर से। अभी वो जेल के अंदर क्यों गया है, कैसे कैसे गया, कैसे निकलेगा, वो सब जो चीज़ें हैं आपको फिल्म में देखने को मिलेगी। उसके बारे में मैं कुछ ज़्यादा बात नहीं करूँगा, बस मोटा मोटी आप इतना समझ लीजिए, अगर फिल्म देखने का मन है, प्लान कर रहे हो, आँख बंद करो, टिकट बुक करो और चले जाओ, और आके ना बताना मेरे को कि फिल्म कैसी लगी। डिसअपॉइंट नहीं होने वाले हो, ये गारंटी के साथ कह सकता हूँ। अभी के लिए, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई वीडियो में, नए टॉपिक के साथ। तो तब तक के लिए बाय।